आज हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जो सशक्त भी है और सक्षम भी हो, जिसमें समानता भी हो और संभावनाएं भी हो। सरदार साहब भी कहते थे, और सरदार साहब के शब्द हैं, दुनिया का आधार किसान और मजदूर है। मैं सोचता हूं कि कैसे किसानों को गरीब और कमजोर ना रहने दूं, कैसे उन्हें मजबूत करूं और ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं। सरदार साहब का ये सपना था और कहते थे, साथियों, किसान मजदूर गरीब सशक्त तब होंगे जब जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब किसान मजदूर आत्मनिर्भर बनाएंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, आत्मनिर्भर देश ही अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त रह सकता है, और इसलिए आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर घड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। लेकिन साथियों, प्रगति के इन प्रयासों के बीच कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका सामना आज भारत और पूरा विश्व कर रहा है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों वीर जवानों को खोया है, अपने
हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है, अनेक माताओं के लाल खोए हैं, अनेक बहनों के भाई खोए हैं। आतंकी पीड़ा को भारत भली भांति जानता है। भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। साथियों, भारत के लिए तो एकता के मायनों का विस्तार हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। हम तो वो लोग हैं जिनको प्रेरणा मिली है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम वो लोग हैं जिन्होंने आत्मसात किया है वसुधैव कुटुंबकम की, यही तो हमारी जीवन धारा है। भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक भारत ने समूचे विश्व को शांति और एकता का संदेश दिया है। साथियों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, भारत एक विचार, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक भाव, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। हमारी ये राष्ट्र हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारी चेतनाओं से, हमारे प्रयासों से, हम सबसे मिलकर ही बनता है। और इसकी बहुत बड़ी ताकत भारत की विविधता है। इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं, अलग अलग तरह के परिधान, खान पान, रीति रिवाज, मान्यताएं, ये किसी और देश में मिलना मुश्किल है।